अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान अफेयर्स के लेक्चर सीरीज़ का जो टॉपिक आज स्टडी करेंगे वो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। पहले अपनी सीरीज़ में हमने इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 को डिस्कस किया, अब उसी के अकॉर्डिंग हम इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को स्टडी करेंगे। अब एक्ट क्या थे, जिस तरह से अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान का, इसी तरह से तब ब्रिटिश गवर्नमेंट सब कॉन्टिनेंट में जिस तरह से गवर्नमेंट अपनी को रन कर रही थी वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बल्कि एक्ट्स के अकॉर्डिंग रन कर रही थी। इस तरह से सब कॉन्टिनेंट में ज़रूरत होती थी वो इसमें अमेंडमेंट करके एक न्यू एक्ट पेश कर देते थे जिसका न्यू नेम हो जाता था जिस ईयर में वो एक्ट पेश किया जाता था। जैसे इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में प्रेजेंट किया गया था इसलिए इस एक्ट को इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 कहते हैं और इसको मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स भी कहते हैं। अब वो क्यों कहते हैं वो हम नेक्स्ट देखेंगे। तो अब हम देखेंगे कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 का इंट्रोडक्शन क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है और क्या चेंजिंग्स की गई इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में या फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को पेश किया गया एंड इसकी सिग्निफिकेंस और इसके डिफेक्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे। एक्ट वाज पास्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ इंडियंस इन गवर्नेंस। 1857 से पहले इंडियंस को बिल्कुल भी पोलिटिकल इन्वायरमेंट में शामिल नहीं किया जाता था। लोकल इंडियंस को लेजिस्लेशन में, एग्जीक्यूटिव में कोई पार्टिसिपेशन हासिल नहीं थी कि एक्ट्स के थ्रू ब्रिटिश पार्लियामेंट ने लोकल इंडियंस को भी शामिल किया लेजिस्लेशन में। तो ये एक्ट भी एक तरह से इसी की कड़ी था कि इंडियंस की तादाद को और इंक्रीज़ किया जाए गवर्नेंस में ताकि जो रिजेंटमेंट है इंडियंस में ब्रिटिश के अगेंस्ट उसको थोड़ा कम किया जा सके। इट वाज़ द रिवीजन ऑफ एक्ट ऑफ 1861 एंड 1892। जैसे पहले ही बताया कि 1892 में ही कुछ अमेंडमेंट्स करके इस एक्ट को पेश किया गया एंड इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। इस एक्ट में सेपरेट इलेक्टोरेट का फर्स्ट टाइम मुस्लिम्स की डिमांड सेपरेट इलेक्टोरेट की को एक्सेप्ट किया गया। सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है ये हम नेक्स्ट अभी स्टडी करेंगे। आल्सो इट आल्सो नोन एज मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स, तो इसको मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स भी कहते हैं क्यों। जॉन मॉर्ले जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे जो ब्रिटिश में रहते थे और उनका नाम जॉन मॉर्ले था और जो वाइस राय थे इंडिया के उनका नाम लॉर्ड मिंटो था, तो उन्हीं दोनों ने ये एक्ट प्रेजेंट किया था इसलिए इस एक्ट को मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। और जॉन मॉर्ले 1905 से लेकर 1910 तक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहे इंडिया के। अब हम देखेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट कि उस टाइम सब कॉन्टिनेंट में कौन सी ऐसी कंडीशंस थी जिनकी वजह से इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को प्रेजेंट किया गया। 1906 में मींस 3 ईयर्स बिफोर इंडियन काउंसिल एक्ट लिबरल पार्टी केम टू पावर इन ब्रिटेन। इससे पहले कंजर्वेटिव पार्टी थी बरतानिया में, तो 1906 में लिबरल पार्टी आई। अब पॉलिटिकल फ्रीडम, लिबरल पार्टी पॉलिटिकल फ्रीडम के हक में ज़्यादा थी इसलिए सब कॉन्टिनेंट के लोगों को ये पता था कि अब उनको पॉलिटिकल फ्रीडम मिलेगा, इसलिए उन्होंने फ्रीडम के लिए मींस अपनी लेजिस्लेशन में और एग्जीक्यूटिव में अपनी पार्टिसिपेशन की कोशिशों को और तेज़ कर दिया। 1906 में जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया कि शिमला डेप्यूटेशन में कुछ मुस्लिम्स गए थे लॉर्ड मिंटो वाइसराय ऑफ इंडिया के पास और उनके सामने एक प्रपोजल पेश किया था मुस्लिम्स ने अपने सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए कि अगर इलेक्शन हो तो मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट की वजह से सीट्स मिल भी सकें। मुस्लिम लीग वाज फॉर्म्ड इन इंडिया 1906 में। शिमला डेप्यूटेशन के बाद मुस्लिम लीग भी बन गई इंडिया में। मुसलमानों को जब यह रियलाइज़ हुआ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रही अच्छे से, तो उन्होंने फिर अपनी एक जमात बना ली जिससे मुस्लिम्स और भी स्ट्रांग हो गए। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 वाज पास्ड टू मॉडरेट द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम्स टू इट्स साइड। तो ये था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 आने से पहले सब कॉन्टिनेंट में ऐसी क्या कंडीशंस थी कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को प्रेजेंट करना पड़ा। इंडियन काउंसिल एक्ट आने से पहले सब कॉन्टिनेंट के मुस्लिम्स ने लीडर्स ने मुस्लिम लीग के लीडर्स ने 2 डिमांड्स मोस्टली अपनी पेश की थी लॉर्ड मिंटो के सामने। फर्स्ट डिमांड जिसका हमने शिमला डेप्यूटेशन में भी जिक्र किया कि मुसलमान चाहते थे कि उन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए। अब सेपरेट इलेक्टोरेट होता क्या है? इन सेपरेट इलेक्टोरेट ओनली द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पर्टिकुलर कम्युनिटी कंटेस्ट द इलेक्शंस। सेपरेट इलेक्टोरेट को हम एक एग्जांपल से समझेंगे कि समझें आप एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 20 पीपल हैं, उनमें से 12 मुस्लिम्स हैं और 8 नॉन मुस्लिम्स हैं अदर कम्युनिटी के। इस केस में सेपरेट इलेक्टोरेट में ओनली मुस्लिम कैंडिडेट कैन कंटेस्ट एन इलेक्शन कि इन
20 पीपल हैं अगर, तो 12 पीपल में से ही कोई जो है वो एक इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है कैंडिडेट, और ओनली मुस्लिम्स कैन वोट, और उसको वोट भी उन्हीं बाकी के 11 मुस्लिम्स देंगे, मीन 8 नॉन मुस्लिम्स उसको वोट नहीं दे सकते। इससे फ़ायदा ये हो रहा था कि अगर कोई मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा होगा किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो वो फिर जीत भी सकेगा। सो सेपरेट इलेक्टोरेट में जो एक रिप्रेजेंटेटिव है पर्टिकुलर कम्युनिटी का, वही इलेक्शन में कंटेस्ट कर सकता है। सेकेंड डिमांड जो मुस्लिम लीडर्स ने रखी लॉर्ड मिंटो के सामने, वो ये था कि एग्जीक्यूटिव में, लेजिस्लेचर में, तो 1892 के एक्ट में, जैसे लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, लेजिस्लेचर में तो लोकल इंडियंस को सीट दे दी गई थी, लेकिन वाइसराय की जो एग्जीक्यूटिव थी उसमें अभी तक कोई भी इंडियंस शामिल नहीं थे। ये मुस्लिम्स की डिमांड थी, 2 इंडियंस मस्ट बी इन वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एक मुस्लिम मेंबर होना चाहिए और एक किसी और कम्युनिटी से हो सकता है। ये 2 डिमांड थी मुस्लिम्स की, बेसिकली एक सेपरेट इलेक्टोरेट और दूसरी एग्जीक्यूटिव में मेंबरशिप की। अब की प्रोविजंस को हम स्टडी करेंगे कि क्या चेंजिंग्स की गई इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 में, जो 1892 था उसके अकॉर्डिंग हम इसको डिस्कस करेंगे। 1892 में क्या था और उसको चेंज करके 1909 में क्या चेंज किया गया। कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट को हम फर्स्ट देखेंगे, वो सारा का सारा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के हाथ में ही था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इज कैबिनेट मिनिस्टर और वाइसराय वाज इन इंडिया। तो कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट 1892 में था, जो 1909 के एक्ट में भी वैसे ही रहा सेम। जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया कि एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट में तो कोई चेंज नहीं हुआ, अब हम देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन में क्या चेंज किया गया। एडमिनिस्ट्रेशन को हम यहाँ 2 पॉइंट्स में पढ़ेंगे, एक सेंट्रल लेजिस्लेचर और दूसरा प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, कि इन दोनों में क्या चेंजेस किए गए और एग्जीक्यूटिव में क्या चेंज किया गया। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 ने अलाउ किया इंडियंस को कि वो वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले एग्जीक्यूटिव में कोई भी लोकल इंडियन को शामिल नहीं किया गया था, लेकिन अब इस चीज़ को अलाउ कर दिया गया। नेक्स्ट है सेंट्रल लेजिस्लेचर, अब हम देखेंगे कि इसमें क्या चेंज किया गया। मेंबर्स को इंक्रीज कर दिया गया फ्रॉम 16 to 60। 1892 के एक्ट में 10 to 16 मेंबर्स थे अलाउ लेजिस्लेचर में, बट अब उनको 16 से 60 कर दिया गया। सेंटर में ऑफिशियल मेंबर को मेजॉरिटी दे दी गई, एट सेंटर ऑफिशियल मेंबर वर टू फॉर्म मेजॉरिटी। अब ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, ये आप एक एक्ट ऑफ 1892 की वीडियो को डिटेल से देखेंगे तो आपको इसकी अच्छे से समझ आ जाएगी कि सेंटर में ऑफिशियल मेंबर को मेजॉरिटी दे दी गई, बिकॉज जो मेंबर्स थे लेजिस्लेचर के वो 2 तरह के थे, ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल। लेजिस्लेटिव मेंबर टू बी परमिटेड टू डिस्कस बजट, सजेस्ट दी अमेंडमेंट्स एंड टू वोट इन देम। 1892 के एक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं था, इस चीज़ की डिस्कशन की इजाज़त नहीं थी, बट 1909 में ये सब अलाउ कर दिया गया। एक और चेंज जो किया गया वो ये था कि एडिशनल मेंबर्स को अब अलाउ कर दिया गया एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर से क्वेश्चन कर सकते हैं। 1892 के एक्ट में ऐसा कुछ नहीं था, एडिशनल मेंबर्स लोकल इंडियंस ही थे और वो क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मुस्लिम्स के लिए जो सबसे बेस्ट बात थी, वो ये थी कि मुस्लिम्स को राइट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया। अब सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है ये हम पीछे अच्छे से स्टडी कर चुके हैं। ये तो हो गया सेंट्रल लेजिस्लेचर, अब हम देखेंगे कि प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में क्या चेंज किया गया। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर वाज नाउ इन सम प्लेसेस। 1892 के एक्ट में प्रोविंशियल लेजिस्लेचर कम जगह पर था, मींस कम प्रोविंसेस में लेजिस्लेचर मौजूद था, लेकिन अब ब्रिटिश ने अपने अंडर आने वाले रीजन्स में 7 प्लेसेस पर प्रोविंशियल लेजिस्लेचर बना दिया। जहां बनाया वो था मद्रास, पंजाब, यूपी, बंगाल, बॉम्बे, बर्मा, असम, इन सब जगहों पर प्रोविंशियल लेजिस्लेचर बना दिए गए। और यहाँ पर मौजूद एडिशनल मेंबर्स जो कि लोकल इंडियंस थे उनकी तादाद को भी इंक्रीज कर दिया, तो ये बहुत बेनिफिटेड हुआ लोकल इंडियंस के लिए। और यहाँ पर ये कह दिया गया कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स कैन बी इन मेजॉरिटी, कि यहाँ पर जैसे हमने देखा सेंट्रल लेजिस्लेचर में ऑफिशियल मेंबर्स थे मेजॉरिटी में, बट यहाँ पर कहा गया कि नॉन ऑफिशियल्स मेजॉरिटी में हो सकते हैं। नॉन ऑफिशियल्स वर आल लोकल इंडियंस जो कि यूनिवर्सिटीज़ और ज़मींदार और इस तरह के रीजन से इलेक्ट होके आ रहे थे। अब हम ये देखेंगे कि इसकी लोकल इंडियंस के लिए क्या सिग्निफिकेंस थी या क्या इम्पोर्टेंस थी इंडियन एक्ट 1909 की। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे अभी हमने देखा,
इसने इलेक्टेड इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल कर दिया कि अब यूनिवर्सिटीज़ वगैरह से इलेक्ट होके इंडियंस, लोकल इंडियंस आएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, जो ऐसा के पहला नहीं था। एक और फ़ायदा ये हुआ कि मोहम्मद अली जना जो प्राइवेट मेंबर थे, आज प्रेजेंटेड एट बिल वक्फ़ुल औलाद विच वॉज पास्ड बाय कंसल, कंसल ने एक लोकल इंडियन का दिया हुआ बिल पास किया, तो ये एक बहुत विन विन सिचुएशन थी मुस्लिम्स के लिए। एक्ट ऑफ 1909 ओपन्ड स्पेस फॉर पोलिटिकल डिवेलपमेंट, इस एक्ट ने पोलिटिकल डिवेलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस ओपन की मुस्लिम्स के लिए, मीन्स पोलिटिकल डिवेलपमेंट इंक्रीज़ हुई और पोलिटिकल अवेयरनेस इंक्रीज़ हुई लोकल इंडियंस में। सेपरेट इलेक्टोरेट जो मुस्लिम्स के लिए एक बहुत बड़ी विन वाली सिचुएशन था, प्लेड की रोल इन पोलिटिकल डिवेलपमेंट ऑफ मुस्लिम्स, मुस्लिम्स के लिए इसने बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले। अब इस एक्ट के डिफेक्ट्स क्या थे? साइज ऑफ काउंसिल को तो एक्सपेंड कर दिया गया था, लेकिन इतनी पावर अभी भी किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर के पास नहीं थी, लोकल इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर के पास पावर्स बहुत कम थी। मेंबर्स को अलाउ तो कर दिया गया कि वो बजट को डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अगर वो पेश भी करना चाहें तो कोई भी अमेंडमेंट नहीं करवा सकते। जो बजट होगा ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से आएगा, वो ही नेक्स्ट पास होगा। उसके ऊपर तनकीद तो की जा सकती है, लेकिन उसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो ये 1909 के एक्ट के कुछ डिफेक्ट्स थे, और इसको हिंदू उसने तो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया था। सेपरेट इलेक्टोरेट की वजह से इंडियंस को लगा कि ब्रिटिश मुस्लिम्स और इंडियंस के दरमियान गैप पैदा करना चाह रहे हैं, और जो है सेपरेट इलेक्टोरेट बिल्कुल भी मुस्लिम्स को नहीं देना चाहिए था। उनके अकॉर्डिंग तो हम दो अलग नेशंस थे ही नहीं, ये मुस्लिम लीडर्स का ही जोर था कि मुस्लिम्स और हिंदूज दो अलग नेशन हैं, तो सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए। बट मुस्लिम्स लीडर्स ने तो इसको अच्छे से वेलकम किया, बिकॉज सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड को एक्सेप्ट किया गया था, लेकिन हिंदूज ने इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया। इस वजह से फिर ये एक्ट भी कैंसिल हुआ और नेक्स्ट और एक्ट आ गया सब कॉन्टिनेंट के लोगों के लिए। कंक्लूजन अब हम इसका देख लेते हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास की रिफॉर्म्स, जिनको मिंटोमोले रिफॉर्म्स कहते हैं, इन्होंने बिल्कुल भी चेंज कर दिया और अलाउ कर दिया इंडियन रिप्रेजेंटेशन को एडमिनिस्ट्रेशन में, और इंडियन मुस्लिम्स की डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया, उनको सेपरेट इलेक्टोरेट दे के। और इस सेपरेट इलेक्टोरेट ने मुस्लिम्स की पॉलिटिकल डेवलपमेंट और पॉलिटिकल अवेयरनेस में बहुत अच्छा रोल प्ले किया, जो कि अगर सेपरेट इलेक्टोरेट ना मिलता तो शायद इतनी भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं होती मुस्लिम्स की कि वो एक अलग नेशन की ही डिमांड कर सकते। इसी सेपरेट इलेक्टोरेट की वजह से मुस्लिम्स एक अलग नेशन के तौर पर उभरे और फिर अपना अलग से वतन हासिल किया। सो एक्ट ऑफ इंडियन एक्ट ऑफ 1909 प्लेड अ की रोल इन पोलिटिकल डिवेलपमेंट एंड पोलिटिकल अवेयरनेस ऑफ मुस्लिम्स। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अनदर टॉपिक ऑफ पाकिस्तान अफेयर सीरीज़।